गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। मैंने डाइजेशन इन ह्यूमंस का डायग्राम दिखा के समझा दिया था, अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि अब देखिए, हमारे वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस बाप पूछोगे व्हाट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस तो मैंने कल भी समझाया था। तब देखिए, डाइजेशन इन अस का बहुत सारा टाइप्स होता है, डाइजेशन का बहुत सारा टाइप्स होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसके चार टाइप्स होते हैं, एक होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ इजेशन, ठीक है। इसके फाइव टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, पहले होता है इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन, ठीक है। ये सारे टाइप्स याद रखने चाहिए, इसका नोट बना लीजिएगा। तो इंजेशन में क्या होता है, जब हम फूड को अंदर लेते हैं उसे इंजेशन कहते हैं, उसके बाद मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उससे डाइजेशन कंप्लीट होता है स्टमक में जाके, इसे डाइजेशन कहते हैं। इंटेस्टाइन में जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं बॉडी के, जो लीवर, पैनक्रियाज, ये जो जूस छोड़ते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद है इजेशन। इजेशन क्या होता है, बॉडी एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, बॉडी एनस के थ्रू बोल रहा हूँ, फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ डाइजेशन का फर्स्ट टॉपिक इंजेशन ही पढ़ने वाले हैं। तो इंजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मैंने कहा था द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने का मैंने ये एक लाइन लिख दिया, इस लाइन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर नोट कर लीजिएगा, कहीं इम्पोर्टेंट जगह पर नोट कर लीजिएगा या फिर इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, जो आप चाहे। सिर्फ ये क्या है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे टेस्ट में, इंटरव्यूज में यही पूछा जाता है कि डिफाइन इजेशन, ठीक है, डिफाइन इजेशन, इजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये मैंने स्टार मार्क करके दे दिया, ठीक है। तो व्हाट आर इंक्लूडेड इनटू द इंजेशन, इसमें इंजेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, द माउथ, द बगल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड, दे आर इंक्लूडेड इनटू इंजेशन, ये सब इंजेशन में इंक्लूडेड होते हैं। इन माउथ में भी इंजेशन होगा, बकल कैविटी ऑल्सो एंड सलाइवरी ग्लैंड ऑल्सो, ठीक है। ये सब में क्या होता है, इंजेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि माउथ से हम खाना अंदर लेते हैं ना, ये माउथ हुआ, माउथ से खाना अंदर लेते हैं, वो बकल कैविटी में जाता है, फिर सलाइवरी ग्लैंड में जाता है, तो इंजेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, इंजेशन होता है। असल में ये आधा इंजेशन है, सलाइवरी ग्लैंड का बोल रहा हूँ, हाफ इंजेशन एंड हाफ डाइजेशन। इट डज हाफ इंजेशन एंड हाफ डाइजेशन बिकॉज द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इन द बॉडी, ठीक है। तो हाफ डाइजेशन इसीलिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं माउथ की तरफ, ठीक है। अब माउथ क्या होता है, माउथ मुंह को कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। इसमें इंजेशन होता है, सबसे पहले वो अंदर जाएगा, फिर उसमें क्या होगा, उसमें ही चीविंग भी होगी, उसमें ही टेस्टिंग भी होगा, उसमें ही सलाइवा मिक्सिंग भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ में जाएगा, मान लीजिए ये हो गया माउथ। माउथ में क्या होता है, बहुत सारे टीथ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है।
वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम किड्स के बारे में जो माउथ में होते हैं, ठीक है। तो माउथ में बहुत सारे टीथ्स होते हैं, माउथ में ये मैं बताता हूँ, माउथ में होते हैं, आपने पढ़ा होगा फिफ्थ क्लास में, माउथ में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है माउथ में क्या, कैनाइन बोल रहा हूँ, इंसिजर्स। क्या होता है, इंसिजर्स के बाद केनाइन के बाद मोलर्स के बाद प्रीमोलर्स के बाद होता है वो जो क्राउन वाला पार्ट होता है जो निकल जाता है बाद में, विजडम टीथ। ये एक दो तीन चार पांच टाइप के होते हैं, ठीक है, चार टाइप के होते हैं, पांच टाइप के नहीं होते हैं। नहीं, पांच टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इंसिजर जो फ्लैट टीथ होते हैं ना, ऐसे करके होते हैं, ऐसे उसके बाद ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे होते हैं, पर अंदर से असल में ये इंसिजर दिखते हैं ऐसे, हम लोगों को बाहर से ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये फ्लैट होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, और ये कितने होते हैं, चार होते हैं, एक दो तीन और चार। ये सब कौन से टीथ है, इंसिजर होते हैं, कौन होते हैं इनको, इंसिजर। ये क्या हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन कटिंग में हेल्प करते हैं कुछ, जैसे कि एप्पल हुआ है, सबको कटिंग किससे करेंगे, हम इंसिजर से करेंगे। उसके बाद कनाइन कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह के ऐसे करके दो होते हैं, ठीक है, कनाइन। इसको इनको क्या कहते हैं, कैनाइन, ठीक है। कैनाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत साफ होते हैं, और ये कैनाइन बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, और मीट ईटिंग एनिमल्स में तो बहुत ज़्यादा। देखिए कैनाइन में क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होते हैं उनको चबाने में मदद करता है, उनको खींचने में मदद करता है, जैसे कि क्या हो गया, मीट, ठीक है। अब कैनाइन के बाद होता है मोलर्स कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, ऐसे करके इस तरह के मोलर्स, फिर प्री मोलर्स के बाद विजडम टीथ। ये सब क्या करते हैं, चीविंग में मदद करते हैं, और बैक्टीरिया को भगाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। हमने माउथ के बारे में ज़्यादातर बात कर लिया है, अभी हम अपने अगले सेशन में माउथ एंड द बकल कैविटी में हम इन सबको डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में जाकर, ठीक है, और माउथ और बकल कैविटी को भी डिटेल में जाके कवर करेंगे। बट इसको हम कवर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज़ इन द हाफ इंजेशन एंड हाफ डाइजेशन फॉर अस। हम ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, इंजेशन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट डूइंग इंजेशन, हाफ इंजेशन एंड हाफ डाइजेशन, ये हाफ इंजेशन हाफ डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।